in our gatherings. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए जो वो हमारे सभाओं में हमें देता है. And when the word is spoken, between the word that is spoken and between that time and it reaches you, many things can happen. और जब ये वचन बोला जाता है और वो वचन जब आप तक पहुंचता है इस समय की अवधि में बहुत सी चीजें हो सकती है. One thing is the work of the Spirit. और एक चीज है आत्मा का कार्य. The Holy Spirit who knows what is your need and what God wants to do in you can bring that word and minister in a way which is beyond the work of any man. और पवित्र आत्मा जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है और परमेश्वर उस आवश्यकता को किस प्रकार से मनुष्य के अंदर पूरा कर सकता है. And he will do accordingly in your life. और उसी के अनुसार वो आपके जीवन में कार्य करेगा. It's beyond the work of any man. और ये किसी भी मनुष्य के काम से बाहर की बात है. While that is something that happens on one side, और जबकि ये कार्य एक और हो रहा होता है, there can be something else happening on the other side. और दूसरी ओर भी कुछ कार्य हो सकता है. You know, the word can reach us, और वो वचन हम तक पहुंच सकता है. But the self takes that word it totally in a different way. और लेकिन हमारी खुदी जो है उस वचन को एक बिल्कुल विभिन्न रूप से ग्रहण करता है. You know, as we heard two Sundays back, और जैसे दो सप्ताह पहले हमने सुना, how the self comes into the vision, और किस प्रकार से उस दर्शन के बीच में वो खुदी आ जाती है, and how it hinders the vision that God has given unto us. और वो दर्शन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके अंदर वो किस प्रकार से वादा ले आती है. You know, it hinders that vision. और वो उस दर्शन में रुकावट डाल देती है. You know, so the self is not to come into the vision. और it is to be outside. जो है, वो उस दर्शन में नहीं आनी चाहिए बल्कि उस दर्शन से बाहर रहनी चाहिए. And allow the Lord to work in our lives. और प्रभु को अनुमति दें कि वो हमारे जीवनों में कार्य करें. और उस दर्शन के प्रकाश में. Now, I have seen this happening many times. और मैंने बहुत सी बार इसको होते हुए देखा. And it happens even in my life, I'm not careful. और यदि मैं खुद सावधान न रहूं, तो ये मेरे जीवन में भी हो सकता है. And so please listen carefully. और इसलिए सावधानी से सुने. You know, the self can come into even a word that God is ministering. और हमारी खुदी जो है उस वचन में आ सकती है जो परमेश्वर हमें दे रहा है. And the self can interpret that word. और वो खुदी जो है उस वचन का अनुवाद भी कर सकती है. And nullify the effect of that word which is to change us. और उस वचन का प्रभाव जो हमारा परिवर्तन कर सकता है उसको वो व्यर्थ कर देती है. You know, so we are to be very careful. और इसलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए. I've seen this happening with many. और मैंने बहुतों के साथ ऐसे होते हुए देखा. That word which God speaks, कि वो वचन जो परमेश्वर देता है, takes it in, और वो खुद ही उसको ले लेती है, and interprets his own way, और उसका अनुवाद अपने ही तरीके से करती है, and to have his own way or her own way, और उसको अपने ही रीति से वो लेना चाहती है. You know, and so we have to be very watchful. और इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है. You know, what happens when the word reaches our lives? कि क्या होता है जबकि वचन हमारे जीवनों में पहुंचता है? Is there a work of the Spirit? क्या आत्मा का कार्य है? The self is taking that very word and interpreting it in a very convenient way where the self doesn't have to suffer. कि वो वचन हमारे जीवन में आ रहा है या कि वो खुद ही उसको अपने रूप से लेकर अपने एक अलग अनुवाद करके उसको व्यर्थ कर देती है कि उसका कार्य हो. So we have to be very careful. और इसलिए हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए. The word, as we know that word, a verse in Hebrews chapter 4 and verse 12, it has a cutting edge. And every time when the word comes, we would feel that.
और जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक में 4:4 में हम देखते हैं कि वचन स्पष्टता से बतलाता है कि वचन बहुत तेज धार का है और वो काटता है. You know, we will feel the cutting edge of the word in our lives. और अपने जीवनों में हम उसकी धार की काट को महसूस करते हैं. I was really reminded of the Lord this morning and और मुझे स्मरण हुआ प्रभु की ओर से आज. Worship and reminded of the Lord to share that with us today. और जब हम आराधना कर रहे थे तो प्रभु ने स्मरण कराया कि ये बांटो. Many have been victim of this self. और बहुत से लोग इस खुदी के शिकार हो चुके हैं. The self taking that very word and interpreting in a way which would soothe and fit into our own thinking, our own decisions, our own ways. और वो वचन जो है वो खुद ही उसको लेती है, उसका अनुवाद अपने ही तरीके से करती है, हमारी सुविधाओं के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार. और I know people who have built castles with the word of God. और परमेश्वर के वचन के साथ लोगों ने किले बना रखे हैं. They have built castles, imaginations with the word of God. And one day, as the storm comes, boom, the whole building is collapsed. So we are to be very careful. Between the ministration and the word reaching us. और वचन जो बोला जाता है और उसके बीच में जब वो हम तक पहुंचता है बहुत सी चीजें होती हैं. पवित्र आत्मा कार्यशील है and there are many other forces at work as well. और बहुत सी दूसरी शक्तियां भी and कार्यशील we have to be there for very, very careful here in our lives. और इसलिए हमें अपने जीवनों में बहुत ही सावधान होना चाहिए here in our lives. कि हम अपने जीवनों में किस प्रकार से that's just one thing as the Lord has reminded and और ये एक चीजों के प्रभु ने we will turn again to the book of Revelation as the Lord has been laying these few thoughts upon our hearts. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर फिर जाएंगे जैसे कि प्रभु हमारे हृदयों पर इसमें से कुछ विचार दे रहा. The book of Revelation chapter 1 and verse 1 to 3. प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय और 1-3 तक. The revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bear record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all the things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. The Lord ministered several things to us the last Sunday. पिछले रविवार को प्रभु ने कई बातें हमें बतलाई. I'm not going to revise everything. हर एक चीज को फिर मैं दोहराऊंगा नहीं. But one thing we see here is that the book of Revelation is for those who want to live an overcoming life. परंतु एक चीज स्पष्ट है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उनके लिए है जो कि जीना चाहते हैं. While the Gospels would say, he that believeth, और जब कि सुसमाचार बतलाते हैं कि वो जो विश्वास करता है, वो जो विश्वास करता है. The book of Revelation always says, he that overcometh, he that overcometh, he that overcometh. और लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सदा ही यही कहती है कि वो जो जयवंत है, वो जो जयवंत है. And as we said right at the beginning, और जैसे हमने शुरू में ही कहा, Satan hates this book. शैतान इस पुस्तक की बहुत घृणा करता है. Because it describes his final destiny. और क्योंकि इस पुस्तक में उसका अंतिम मंजिल का वर्णन है. It defines his defeat. और उसकी पराजय का वर्णन है. And his judgments. और उसके न्याय का. And so he is very upset with those who would really turn to this book and give themselves to that which is written therein. और इसलिए वो उनसे बहुत ही परेशान रहता है जो कि इस पुस्तक को की ओर मुड़ते हैं और अपने आप को इसके लिए देते हैं. This book is for the overcomers. और इसलिए ये पुस्तक जो है वो जयवंतों के लिए इन अंतिम. And we saw last week the Lord in the midst of the seven churches. और पिछले सप्ताह हमने देखा कि प्रभु सातों कलीसियाओं के बीच में. We saw that his judgments were so different from the judgments that these churches had about themselves. और हम देखते हैं कि प्रभु का न्याय
उन कलीसियाओं के न्याय से कितना विभिन्न था जो उन्होंने अपने बारे में सोचा था। The Lord's evaluation was so different, और प्रभु का जो मूल्यांकन था वो बिल्कुल विभिन्न था। So different from what they had evaluated about themselves, और उस मूल्यांकन से बिल्कुल विभिन्न था जो कि उन्होंने अपने बारे में कर रखा था। So here is again a check for us, और यहाँ पर हमारे लिए जांच का अवसर है। It's not a matter of how we evaluate about ourselves, और ये विषय नहीं है कि हम अपना खुद का मूल्यांकन कैसे करते हैं। It's not even how others evaluate us, और ये भी विषय नहीं है कि दूसरे हमारा मूल्यांकन कैसे करते हैं। People may have a great opinion about you and me, और लोगों की राय आपके और मेरे बारे में बहुत बड़ी होती है। And we are not to be going by what people say about us, और लेकिन लोग जो हमारे बारे में कहेंगे हमने उसके अनुसार नहीं जाना है। We have to be open to the Lord, और हमें चाहिए कि हम प्रभु के लिए His evaluation are things that we should be concerned about. और उसका मूल्य आकलन वो वस्तुएं हैं जिसकी चिंतन हमें करनी चाहिए। If one is willing to be evaluated by the Lord, और यदि कोई इच्छुक है कि प्रभु उसका मूल्यांकन करे, here and now, यहाँ पर और अब, and face up honestly what he shows to us, और जो कुछ वो हमें दिखाता है उसका सामना सच्चे मन से करें, about ourselves, हमारे खुद के बारे में, and us as his people, और हम जो कि उसके लोगों के प्रति, we can be saved from a lot of sorrows in our lives. तो हमारे जीवनों में बहुत से दुखों से हम बच सकते हैं। We can be saved from a lot of unhappiness. और बहुत से नाखुशी से हम बच सकते हैं। In our individual life, family life, and we as God's people. और व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, और हम संगठित रूप से परमेश्वर के लोगों के And रूप then we saw a very precious counsel, and that is the revelation of Jesus Christ, which God gave to him to show his bond servants. और फिर एक विशेष बात यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वो प्रकाशन जो उसको परमेश्वर ने दिया उसके बंधुआ सेवकों के लिए। Yes, bond servants. बंधुआ सेवकों के लिए। We saw what it means by bond servant. और हमने ये भी देखा कि बंधुआ सेवक का क्या अर्थ है। How the psalmist says, "You have pierced my ears." और किस प्रकार से भजन संहिता का लेखक कहता है कि तूने मेरे कान छेद दिए। That I may hear. कि मैं सुनूं। You open my ears, that's the same word, pierced. और छेदने का अर्थ वही है कि तूने मेरे कान खोल दिए। And how in the midst of many, you know, servants, God is looking for true born servants. और किस प्रकार से बहुत से दासों के बीच में परमेश्वर एक सच्चे बंधुआ दासों को And who are his bond servants today in this age and now? और आज के युग में और अब उसके वो बंधुआ Those who have joyfully given up all their own plans, और जिन्होंने अपनी खुशी से अपनी सारी योजनाएं छोड़ दी, अपनी अभिलाषाएं छोड़ दी, all their rights, और अपने सारे अधिकार छोड़ दिए, and who now decide to do the will of God alone in their lives, और जो कि अब अपने जीवनों में केवल परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा करना चाहते हैं, and remember God's revelations will be only to those who are his bond servants. और इस बात को भी स्मरण रखें कि परमेश्वर के प्रकाशन जो हैं उन्हीं को प्राप्त होंगे जो उसके बंधुआ दास हैं। You know, it's very, very clear. और बहुत ही स्पष्ट है ये बात। And we have seen the example of Jesus Christ himself, और a bond servant unto the Father. प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का उदाहरण देखा जो कि पिता के लिए एक बंधुआ दास था। You know, and we thank God for his example in every way, in every aspect. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके उदाहरण का हर एक विषय के बारे में। So not to everyone the Lord will reveal his secrets. और परमेश्वर प्रभु अपने राज और रहस्य हर एक के ऊपर प्रकट नहीं करेगा। But though they can go their way, but have chosen to surrender themselves to the Master. और लेकिन उनके लिए जो अपने मार्ग में चल जा सकते हैं लेकिन अपने आप को समर्पित किया है उन्होंने अपने स्वामी के हाथों में। And we also referred a very important scripture from John 7:17. और योना 7:17 का वो महत्वपूर्ण वचन भी हमने उसका वर्णन किया। और जहाँ प्रभु यीशु ने कहा very clearly, बड़ी स्पष्टता से It's only when we obey the word that we will know what the word of God, whether it's from God or from man.
और ये तभी हम समझ सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे कि ये वचन जो हमें आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से है, मनुष्य की ओर से। I don't think, I can't believe it's God. और बहुत से बार लोग ये कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता कि ये परमेश्वर का वचन है या ये सच्चाई है। You know, I can't accept this truth. और मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। It's difficult to see that this is God's word. और ये बहुत कठिन है देखने के लिए ये परमेश्वर का वचन है। The reason why many are in that place is because they are not having a heart to obey the truth. और कारण ये होता है कि बहुत से उस स्थान में नहीं आते क्योंकि उनके पास वो हृदय नहीं होता कि वो सच्चाई। एंड आई वॉन्ट यू टू टेक दैट वर्ड इन योर हार्ट। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को अपने Let me just read it from the Amplified. और इसको विस्तारित अनुवाद की बाइबल से हम पढ़ेंगे। John chapter 7:17. यूहन्ना सातवां अध्याय सत्रहवां वचन। If any man desires to do his will, God's pleasure, then he will know. There's a comma there. He will not know, have the needed illumination to recognize, then he can tell for himself whether the teaching is from God or whether I am speaking from myself or of my own accord or of my own authority. So it's very clear here. तो यहाँ पर ये चीज बड़ी स्पष्ट है। You can only know the truth when there is a heart in you to do His will and pleasure. और आप सच्चाई को तभी जान सकते हैं जब आपके अंदर ऐसा हृदय हो जो कि अपने आप खुशी से उसके लिए समर्पित। Then you will know and have the needed illumination. और तभी तुम जान पाओगे और वो जो प्रकाशन जिसकी आवश्यकता है वो तुम्हें प्राप्त होगा। To recognize what you are hearing is from the Lord. और इस बात को जानने के लिए कि जो आप सुन रहे हैं वो प्रभु का वचन or it is the word of man. या ये किसी मनुष्य का वचन है। So the criteria here is that we have a heart to obey His will and bring pleasure to Him or do His pleasure. तो कसौटी यहाँ पर जो है वो यही है कि हमारे पास ऐसा हृदय हो कि हम उसकी खुशी को पूरा कर सकें। You know, so it is only through obedience to His will we will recognize His word and His voice. तो ये केवल उसकी आज्ञाकारिता ही है जिसके द्वारा हम पहचान लेंगे ये वचन उसका है और उसकी आवाज़। That's why many cannot accept the truth today because they have no heart of obedience to God. और इसी कारण से बहुत से लोग इस सच्चाई को समझ नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो हृदय नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा का पालन करें। You know, some of us can sit down and debate about many things that God is speaking. और हम में से बहुत बैठकर ये वाद विवाद करेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहा है। Because we have no heart to do His will and His pleasure. और क्योंकि हमारे पास ऐसा हृदय नहीं कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें और उसकी खुशी को। But when you and I would have that heart to do His will and His pleasure, then He will give the illumination to say, well, this is from God. परंतु यदि इस प्रकार का हृदय हमारे पास हो कि हम परमेश्वर की इच्छा और उसकी खुशी को पूरा करना चाहें, तब वो प्रकाशन हमें देगा और हम कहेंगे कि ये illumination to recognize that voice, that word. और वो आवश्यकता उस प्रकाशन की ताकि उस वचन और उस आवाज को पहचान। May God help us, saints of God. तो परमेश्वर सहायता करे परमेश्वर के पवित्र लोग। If any man desires to do His will, और यदि कोई इच्छुक God's pleasure, then God will give the illumination to recognize. और तब यदि कोई इच्छुक है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, तो परमेश्वर प्रकाशन देगा कि वो उसको पूरा करे। With joy, let God with thee.